और हरियाणा में गर्मी का कहर जानलेवा होता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी से फरीदाबाद में 5 से 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने इस बारे में पुष्टि की है कि गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हीट वेव का असर उत्तर भारत में कहर बरपा रहा है और आए दिन लगातार तापमान में जो इजाफा देखने को मिल रहा है, 45, 46 और 44 के आसपास जो टेम्परेचर बना हुआ है, इसका प्रकोप देखने को मिला फरीदाबाद में। हीट वेव के चलते फरीदाबाद में 5 से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि यहाँ के डॉक्टर ने की है। और हीट वेव के चलते सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर मनीष दयाल के अनुसार करीब आधा दर्जन लोगों की मौत के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसका कारण उन्होंने गर्मी को बताया है। इतने मृत्यु के मामले सामने आने के बाद आम लोग भी अब दहशत में हैं। गर्मी के मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने प्रदेश में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी जा रही है लगातार। सेक्टर 21 से ही नहीं, आज अलग अलग इलाकों से डेड बॉडीज आ रही हैं और पुलिस लेके आ रही है, कभी कोई अटेंडेंट लेके आ रहा है, कोई आदमी काम करते हुए कोलैप्स हो रहा है कोई, तो सवेरे से कम 5 से 6 डेड बॉडीज आ चुकी हैं 15 से 20 मिनट के अंतराल में। ये गर्मी के कारण, और कारण गर्मी ही लग रहा है। अच्छा सर, क्या सिर्फ आज ही आ रही है या रोज भी इस तरीके से संख्या आती है? विगत 1 या 2 हफ्तों से तो मतलब ये